बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में बिना एटीएम कार्ड सिर्फ ओटीपी द्वारा पैसा कैसे निकालें, ये देखने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखें। इसके लिए हमें पहले ओटीपी जनरेट करना होगा मोबाइल बैंकिंग द्वारा, फिर हम एटीएम चलेंगे। तो दोनों काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग ओपन करनी है, तो बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसमें एप्लीकेशन पासवर्ड 4 डिजिट का इंटर करेंगे। इंटर करके ओके किया। अब ओके करते हैं, राइट साइड में सबसे नीचे प्रीमियम सर्विसेज ऑप्शन आ रहा है, राइट साइड में सबसे नीचे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कैश ऑन मोबाइल, ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट चूज करना है, जो भी अकाउंट जिसमें पैसा निकालना है। तो ये मेरे सभी अकाउंट शो कर रहे हैं, इसमें से कोई एक अकाउंट चूज करूँगा। और उसके बाद अमाउंट इंटर करना है। यहाँ पे 100 रुपये से लेकर कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं 5,000 तक का, तो मैं 500 रुपये एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। रिमार्क्स में मुझे रिमार्क्स लिखना है ताकि मुझे ध्यान रहे कैश निकाला है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्म करना है सभी डिटेल और 4 डिजिट का एमपिन डालना है यहाँ पे। तो एमपिन डाल दिया, ये ओके हो चुका है। और 6 डिजिट का ये ओटीपी जनरेट हो जाएगा जो कि 15 मिनट तक वैलिड रहेगा। अब हम एटीएम चलते हैं, 15 मिनट की वैलिडिटी ओटीपी की, वो इंटर करेंगे वहाँ जा करके। आगे एटीएम में कैश ऑन मोबाइल पे सेलेक्ट किया, राइट साइड में सेकंड, यहाँ पे ओटीपी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 7506644 ये ओटीपी आया था, 15 मिनट की वैलिडिटी थी। अमाउंट 500 डाला था हमें, वही यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे 500 लिख देता हूँ मैं, करेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी प्रोसेसिंग हो रही है और कैश होगा इसमें तो निकल जाएगा। देखिए मशीन प्रोसेसिंग चल रही है, अभी ये स्लिप जनरेट हो गई यहाँ पर और कैश में निकल चुका है। तो ये दोस्तों, ये सुविधा तब काम आती है कभी हम जैसे मान लीजिए घर पे पर्स भूल गए हों और एटीएम कार्ड भी भूल गए हम, तो उस केस में मोबाइल बैंकिंग द्वारा ओटीपी जनरेट करके हम पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।